बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इंजीनियर अली रहमान आपको लाइटनिंग एरेस्टर के बारे में बताएंगे कि लाइटनिंग एरेस्टर है क्या, ये बाल जो आपको नज़र आ रही है किस वजह से आप सोलर सिस्टम में लगवाना चाहेंगे और इसकी मकसद क्या है और ये आप कैसे लगा सकते हैं। तो ये लाइटनिंग एरेस्टर है, एक बाल सा तांबे से बना हुआ, ये बाल सा आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ये नीडल्स भी तांबे के बने हुए और ये कॉपर रॉड के ऊपर आप सोलर सिस्टम से ऊपर ये लगा के अपने सोलर सिस्टम को भी लाइटनिंग थंडर से हाई वोल्टेज से जो है उसकी शॉक से बचा सकते हैं। अपने सोलर सिस्टम को, अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स या अपने घर की जो बिजली है उसको भी आप लाइटनिंग थंडर से जो है बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइटनिंग थंडर की बिजली की जो है वो 100 मेगावाट से बहुत ज़्यादा है। तो उसकी खतरे से और उसकी शॉक से अपने घर को बचाने के लिए, अपने सोलर सिस्टम को बचाने के लिए और अपनी बिजली को बचाने के लिए ये लाइटनिंग एरेस्टर बिल्डिंग से टॉप पे लगा के इस के साथ तांबे का जो वो शेप होता है यू शेप, इसके साथ लगा के इसकी अर्थिंग आप करवाएंगे। तो ये अर्थिंग में यूज़ किया जाता है और अर्थिंग ये आप इसलिए करा सकते हैं ताकि आपके घर जो है महफूज हो जाए, आपकी बिजली महफूज हो जाए और आपके जो बिज़नेस साइड से या कमर्शियल साइड या डोमेस्टिक साइड से या आपकी बिजली वगैरह सोलर सिस्टम वगैरह है कि ये लाइटनिंग थंडर से जो है महफूज हो जाए। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये अपने सोलर सिस्टम को ओवर वोल्टेज के से या लाइटनिंग थंडर के हाई वोल्टेज से बचाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कॉपर से बने हुए ये कॉपर रॉड है और ये बिल्डिंग पे लगा के इस अर्थिंग का जो केबल है वो यहाँ पे लगा के उसकी अर्थिंग आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ पाउडर भी, यहाँ पे केमिकल पाउडर आपको नज़र आ रहा है, ये हम अर्थिंग बोर के अंदर यूज़ करके ताकि इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए और इसमें ओवर वोल्टेज और करंट जो है वो एब्जॉर्ब होता जाए। अगर आपके पास ये पाउडर ना हो बाजार में, ये अवेलेबल ना हो, तो आप इसकी जगह कोयला और नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थिंग बोर के अंदर। और ये प्लेट आपको नज़र आ रहा है, प्योर कॉपर है, तांबे से बना हुआ ये प्लेट हम अर्थिंग बोर के बॉटम में लगा के इसके साथ तांबे वाला वायर लगा के वो अर्थिंग एरिस्टर के साथ टच करेंगे और वायरिंग करेंगे। थैंक यू।